हेलो एवरीवन, कुकिंग तड़का विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मिक्स वेज की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। इस रेसिपी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि मिक्स वेज खाने में जितनी स्वादिष्ट लगती है, सेहत के लिहाज से भी उतनी ही फायदेमंद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए। मिक्स वेज बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक पैन में डालेंगे 1-2 चम्मच सरसों तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 5-6 लौंग डाल देंगे। फ्राई होने देते हैं इन सबको। अब हम इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक। अदरक को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। 5-6 लहसुन के कलियाँ डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज कटे हुए। तो यहाँ पे हमने 1 प्याज को रफली चॉप करके ले लिया है। इसे फ्राई कर लेते हैं। प्याज के साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 5-6 काली मिर्च, 1 चम्मच काजू डाल देंगे और इन सबको साथ ही में फ्राई कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे हमने 2 टमाटर को रफली चॉप करके ले लिया है। इसे प्याज के साथ में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटाते हैं। टमाटर प्याज हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। ये मैसी भी होने लगा है टमाटर, देखिए। अब हम करेंगे गैस को बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें इसे ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेना होगा। जब तक ये ठंडा हो रहा है, नेक्स्ट हम एक पैन चढ़ाएंगे। इसमें हम डालेंगे 5-6 चम्मच सरसों तेल। तेल को गर्म होने देंगे। अब हम सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू को बड़े बड़े पीसेस में कट करके ले लिया है। सब्जी आप अपने मनपसंद से छोटा या बड़ा कट करके ले सकते हैं। सबसे पहले हमें सख्त सब्जियों को फ्राई करके तैयार कर लेना होगा। तो यहाँ पे हम आलू को डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे गाजर कटे हुए। इसे भी हम आलू के साथ फ्राई करेंगे। थोड़े थोड़े देर के बाद हम सारी सब्जियों को डालते जाएंगे और साथ ही में फ्राई करते जाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे गोभी। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कलर का गोभी लिया है। एक हमने येलो कलर का गोभी लिया है और एक हमने पर्पल कलर का गोभी लिया है। आपके पास ये 2 कलर का गोभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो गोभी है उससे भी बना सकते हैं मिक्स वेज। तो यहाँ पे हम गोभियों को डाल देते हैं। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे बीन्स कटे हुए और इन सबको भी हम अच्छे से फ्राई करते हैं 2 मिनट के लिए। सब्जियों को फ्राई करके बनाने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमें, बस सारे सब्जियों को डालते हुए 1-2 मिनट के लिए फ्राई करते जाना है। तो मैं यहाँ पे इसे ढक्कन लगा के फ्राई कर लेती हूँ जिससे कि सब्जियाँ जल्दी से पक भी जाएंगी और फ्राई भी हो जाएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी मटर। मिक्स कर लेते हैं इसे। सब्जियों के हिसाब से यहाँ पे हम नमक डाल देंगे जिससे कि सब्जी बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और सब्जियों में नमक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
सबसे लास्ट में ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पे हमने दो कलर का शिमला मिर्च इस्तेमाल किया, एक हमने ग्रीन लिया है और एक हमने रेड कलर का लिया है। और इसे भी हम एक मिनट के लिए सारी सब्जियों के साथ फ्राई कर लेते हैं। मिक्स वेज खास तौर पे विंटर सीजन में बनाया जाता है। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। विंटर सीजन में सब्जियों का भरमार होता है, तो मिक्स वेज खाने का मजा ही कुछ अलग है। सारे सब्जी हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सारे सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम इसके लिए मसाला फ्राई कर लेते हैं। तो हम सेम पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों तेल, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2-3 तेज पत्ता डाल देंगे। फ्राई कर लेते हैं इन सबको। 1 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज प्याज को बारीक चॉप करके ले लिया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, काजू का पेस्ट बनाया था, इस पेस्ट को हम डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। सारे मसाले को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है हमें। तो मैं यहाँ पे मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और हम जार से थोड़ा सा पानी डाल देंगे धो के। ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी डाला और मसाले को अच्छे से फ्राई करते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। जी हाँ, आप कसूरी मेथी ज़रूर डालें, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे मसाले में। मिक्स कर लेते हैं इसे। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे हम 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें हम फ्राई किए हुए सारे सब्जियाँ ऐड कर लेंगे। अगर आपको गाढ़ी सब्जी खाना है तो आप पानी कम डालें, अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी खाना है तो पानी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सब्जी थोड़ी सूखी ही अच्छी लगती है। सारे सब्जियों को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ पे हमने पनीर को कट करके फ्राई करके ले लिया है। आप चाहें पनीर को ऐसे भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे फ्राई करके ले लिया है, पहले से ही फ्राई करके रख लिया था। सारे सब्जियों में इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे ढक के हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। मिक्स वेज में रिच फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच मलाई। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ पनीर डाला है। ये सब डाल के बनाने से मिक्स वेज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनता है ये घर पर। आप इस तरह से एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिए, यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब इसे हम ढक के 1 मिनट के लिए और पकने देते हैं। 1 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे। मिक्स वेज हमारे बन के तैयार है। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना टेस्टी और कलरफुल लग रहा है, खाने का तो बात ही अलग है इसका। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इसे नान, चपाती, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है।
आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।